हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। बात करेंगे मैकनली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड शेयर के बारे में। करंट प्राइस है 3.54। एक लोअर सर्किट हमें देखने को मिला है। 29 अगस्त के बाद से ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड है एंड मेंशन है ऑन अकाउंट ऑफ आईबीसी एंड रिकमेंसमेंट पोस्ट आईबीसी। सो फ्रेंड, ट्रेडिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। सो क्या जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे इसमें इन्वेस्टेड थे वो फंस गए या वो उन्हें लॉस हो गया, तो डिस्कस करेंगे। आईआरपी स्टेज वन में है शेयर। सो फ्रेंड्स, एक लोअर सर्किट देखने को मिला है हमें। इसमें फंडामेंटल्स चेक करेंगे, जानेंगे कंपनी कैसी है, क्या परफॉर्मेंस है कंपनी की और अब इसमें क्या फ्यूचर है। 52 वीक हाई है इसका 11.40, लो 0.21। 5% का सर्किट सेबी की तरफ से इसमें सेट है। बट फ्रेंड्स, अब अगर ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्ट है तो क्या ये शेयर डीलिस्ट हो जाएगा, ये डर सब में बना हुआ है। टर्नओवर देखिए कंपनी का 0.07 लाख 60 करोड़, तो फ्रेंड्स सिर्फ लोगों का, तो मार्केट कैप बहुत कम है। फंडामेंटल्स काफ़ी पुअर हैं। ईपीएस नेगेटिव, सीईपीएस नेगेटिव, पीई नेगेटिव, पीबी नेगेटिव, तो फ्रेंड्स काफ़ी पुअर फंडामेंटल्स हैं। आपको ऐसे शेयर से बच के रहना चाहिए। फंडामेंटल ज़रूर चेक करने चाहिए किसी भी पैनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सो फ्रेंड्स, एक न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आई है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के थ्रू। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली यहाँ पर अब कोई केस ही होगा। इंजीनियरिंग डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करता शेयर है। T+2 डेज का सेटलमेंट साइकिल है। न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं 22 अगस्त के, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूवल फॉर रेजिग्नेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो वो हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है कंपनी से। तो आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ पे डेफिनेटली एक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होगा। अब इसका कोर्ट केस ही होगा इंसॉल्वेंसी के रीज़न से। डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पैसे डूबने के चांसेस हैं क्योंकि प्रॉपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है कंपनी की तरफ से। तो आप देख सकते हैं, दिस इज़ द डॉक्यूमेंट। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स COC, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूवल ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के, तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और अप्रूव हो गया है रेजिग्नेशन ऑन 20 अगस्त से। आप देख सकते हैं, फर्दर टू आर लेटर्स 4th of August एंड 9th of August इन्फॉर्मिंग दैट मिस्टर अरुंधति धर, ये थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई डेप्ट ज़्यादा होता है या इंसॉल्वेंसी होती है या बैंकरप्सी होती है, तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का पूरा डिसीजन होता है कि वो कंपनी को ट्रेडिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दें और कंपनी को सेल आउट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आप यहाँ कंप्लीटली समझ सकते हैं, अब ये एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और इसमें टाइम लगेगा। तो आप अपना पैसा आपका फंस चुका है, या आप समझ के चलिए। कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में शेयर दिख रहा होगा, कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में शेयर नहीं भी दिख रहा होगा। ऐसे शेयर से दूर रहना चाहिए। अब ये देखिए, प्रॉफिट में एक लॉस मेकिंग कंपनी है। मार्च में 63 करोड़ का लॉस और जो दिसंबर में 1.14 करोड़ का प्रॉफिट था। तो फ्रेंड, जब मार्च में इतना लॉस आया तो आप क्यों नहीं निकले वहाँ से? ऐसे पैनी स्टॉक से प्लीज़ दूर रहिए। हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन हमेशा सेफ रहेंगे। एंड फ्रेंड्स, 29 अगस्त को 100% डिलीवरी उठी है। 1896 शेयर जो सेल हुए हैं जिसपे लोअर सर्किट लगा है, ये वही इन्फॉर्मेशन है। अगर ट्रेडिंग ओपन होती है थोड़े दिन में तो यहाँ पर आपको एक लोअर सर्किट देखने को मिलेगा। टारगेट आप लेके चलिए यहाँ से 3.50 का, सिंपल 3.50 जाएगा। फ्रेंड्स, जो अगर सेल कर पाएंगे वो लकी होंगे इतने, बट इस शेयर में आप फंस तो चुके ही हो। सो थैंक यू सो मच।